टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीती बल्कि 10 ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें तोड़ पाना बहुत 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 मुश्किल होने वाला है। मतलब इंडिया ने वैसे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तो बनाई है क्योंकि रोहित शर्मा 9 वर्ल्ड कप खेल चुके, 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले ओनली इंडियन प्लेयर, सबसे उम्रदराज कैप्टन, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो इंडिया ने बनाए। और इसलिए हमें लगा कि क्यों ना आज आपको बताएं कि इंडिया ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता है, सिर्फ 140 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दी है बल्कि स्टैट्स भी कमाल कर दिया है। मतलब जैसे रोहित और विराट सबसे ज्यादा ICC की टूर्नामेंट के फाइनल का हिस्सा रहने वाले प्लेयर बन गए। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ICC टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा फाइनल मैच खेलने वाले प्लेयर बने हैं। रोहित ने 8वीं बार ICC टूर्नामेंट का फाइनल खेला है और रोहित के बराबर विराट है, और इन दोनों ने मिलकर इंडिया के ही युवराज सिंह को पिछाड़ा जिन्होंने 7 बार ICC के टूर्नामेंट का फाइनल खेला था। तो ये अपने आप में कमाल है। रोहित सबसे ज्यादा T20 फाइनल खेलने वाले प्लेयर बन गए, ये उनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड रहा। रोहित शर्मा T20 के सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाले प्लेयर बने हैं और ये अपने आप में कमाल है। ओवरऑल उनसे ज़्यादा जो है वो ब्रावो और शुएब मलिक, सुनील नरेन है, लेकिन रोहित शर्मा ने ओवरऑल T20 क्रिकेट में 11वीं बार फाइनल खेला है और ये अपने आप में इंडिया से एक बड़ा रिकॉर्ड है। रोहित सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल जीतने वाले कैप्टन बन गए हैं। रोहित शर्मा ने 50 मैच में इंडियन टीम को जीत दिलाई है और ये रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। बाबर आजम 48 बार ऐसा कर पाए हैं और ब्रायन मसाबा जो हैं युगांडा की कप्तानी करते हुए उन्होंने 44 मैच जीते, तो यहां पर भी रोहित जो है सबसे आगे निकल चुके हैं। फिलहाल रोहित ने 9वीं बार T20 की कोई ट्रॉफी जीती है जो उन्हें MS धोनी के बराबर लाकर खड़ा कर देती है। रोहित शर्मा ने करियर में 9वीं बार ये ट्रॉफी जीती, MS धोनी की बराबरी की, और 6 बार इसमें IPL है, 2 बार T20 वर्ल्ड कप है और 1 बार निधास ट्रॉफी है जिसे रोहित शर्मा ने जीता था और धोनी के समकक्ष खड़े हुए हैं। हालांकि केवल रोहित रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं बल्कि विराट ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। जैसे विराट कोहली सबसे ज्यादा 4 अलग अलग ICC ट्रॉफी जीतने वाले पहले इंडियन प्लेयर हैं। ये अपने आप में उनके लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है कि 4 अलग अलग ICC की ट्रॉफी उन्होंने जीत ली है। एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बची है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार रोहित और विराट मिलकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत लेंगे और उनके नाम ये भी ट्रॉफी आ जाएगी। विराट कोहली की अगर आप बात करेंगे तो 2008 में U19 वर्ल्ड कप जीता था, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और अब 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। युवराज सिंह भी वो खिलाड़ी थे जिन्होंने 4 अलग अलग ICC ट्रॉफी जीती थी। 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता थे और उसके बाद 2 T20 वर्ल्ड कप और काफ़ी चीज़ें, 1 T20 वर्ल्ड कप, 1 ODI वर्ल्ड कप, काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी जीती। विराट कोहली फाइनल में सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप्स में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच चुने गए। विराट कोहली ने फाइनल में जब 76 की पारी खेली तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड कप में वो 8वीं बार मैन ऑफ द मैच बने थे और अभी तक कोई भी प्लेयर 8 बार मैन ऑफ द मैच वर्ल्ड कप में नहीं बन पाया। विराट के बाद नंबर 2 पर जो है वो उन्हीं के दोस्त है क्रिस गेल, जो 5 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन विराट 8 बार ऐसा कर चुके हैं, तो ये अपने आप में कमाल है। T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट में एक टीम के खिलाफ टॉप स्कोर की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी विराट कोहली का नाम जो है वो आ चुका है। ये भी अपने आप में कमाल है। नॉकआउट मैचेस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो अब तक 148 बना चुके हैं टोटल, तो ये भी एक हाईएस्ट स्कोर है। दिलशान का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, दिलशान ने इससे पहले 135 रन वेस्टइंडीज के सामने बनाए थे नॉकआउट मैचेस में वर्ल्ड कप में, तो यहां पर भी एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो गया है। विराट कोहली वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में सबसे ज्यादा 50 प्लस बनाने के मामले में भी टॉप पर चले गए, 5 बार ऐसा कर चुके हैं। अगर विराट के अलावा बात की जाए तो क्रिस गेल, डैरियल मिचेल, रिजवान, सैमुअल्स, संगकारा, शाहिद अफरीदी, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-2 बार 50 प्लस बनाए, लेकिन 5 बार कोई भी आसपास विराट के नहीं आया है और ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। गौतम गंभीर, हार्दिक, रोहित, युवराज, ये सब 1-1 बार बना चुके हैं लेकिन 5 बार कोई नहीं है। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया के टॉप 2 स्कोरर में रहे और ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि विराट खुद इससे पहले 77 रन 2014 में बनाया था उन्होंने जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, वो मैच इंडिया हार गई थी, और गंभीर जो है 2007 में 75 की पारी खेल चुके हैं, तो ये दो पारियां इंडिया की तरफ से हाईएस्ट है।
T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का रिकॉर्ड जो है वो भी विराट के पास है। 16 बार उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है और उन्होंने इंडिया के ही सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। सूर्या 15 बार पा चुके थे, विराट ने 16वीं बार किया है, तो विराट के नाम भी अनलिमिटेड रिकॉर्ड जो है वो इस टूर्नामेंट में दर्ज हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो टीम इंडिया ने बनाया वो था T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर। इंडिया का 177 का स्कोर जो एक समय कम लग रहा था वो अब तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें सबसे बड़ा फाइनल का स्कोर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का ये स्कोर था, 2021 में न्यूजीलैंड के सामने उन्होंने 173 बनाए थे, इंडिया ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत के नाम एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा जीत का भी रिकॉर्ड है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 8 मैच जीते और साउथ अफ्रीका के 8 मैचेस की बराबरी कर ली है। तो ये इंडिया के 10वें विराट रिकॉर्ड है जो रोहित, विराट और टीम इंडिया ने मिलकर बनाए हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हम भले ही T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं लेकिन हमारे रिकॉर्ड हमारे जाने के बाद भी रहेंगे और जब कोई उन्हें तोड़ेगा तो कहा जाएगा कि कोई था विराट रोहित जैसा खिलाड़ी जो खेल खेल कर क्रिकेट की दुनिया में एक अलग खेल कर गया, एक अलग मुकाम हासिल कर गया। फिलहाल हैप्पी रिटायरमेंट टू विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्ल्ड कप ट्रॉफी।